साथियों, जैसा मैंने कहा था कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ने का कोशिश करेंगे, तो उसी में ये प्रयास है कि शाम को 7:15-7:30 बजे के बीच आपसे आकर के बात की जाए। चुनाव बहुत लंबा है, सब जगह पहुंच पाना संभव नहीं है और सब जगह अपनी बात को पहुंचाने का इससे बेहतर माध्यम नहीं हो सकता। सब नौजवान दोस्त, मेरे बच्चे, सबके पास मोबाइल है, सब मोबाइल के माध्यम से अपनी हमारी बात को सब जगह तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। आज के चुनाव में जो परिस्थितियां बन रही हैं, देखिए, चुनाव बहुत सख्त होगा। सख्त इस मायने में कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और बार बार एक बात कह रहा हूं मैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं। ये संविधान को बचाने का चुनाव है, ये लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल देते हैं, ऐसा कभी किसी ने परिकल्पना भी नहीं की होगी, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि कभी हमारे कराने में, हमारे अंदर, कि हमें अपने लोकतंत्र को बचाने के लिए इस तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। वोट ही हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें दिया, जिससे हम लोग लोकतंत्र की रक्षा कर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला है, बीच का कोई रास्ता नहीं है। जो बीच के रास्ता बना रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। आज इस वक्त के अंदर, इस दौर के अंदर ये ज़रूरी है कि हम लोग, जो किसान हो, व्यापारी हो, नौजवान हो, एकजुटता के साथ ये धर्म के नाम पर बांटने की बात करेंगे, ये जाति के नाम पर बांटने की बात करेंगे। हमें बंटने की बात नहीं करनी है, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक है और लक्ष्य है अपने संविधान को बचाना, अपने लोकतंत्र की रक्षा करना। और संविधान को और लोकतंत्र को बचाने के लिए इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर हम लोगों को बहुत जिम्मेदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाना है। कोई हंगामा हुड़दंग करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत लंबी बड़ी रैलियाँ जुलूस करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इस बात की है कि आप लोग बैठ करके छोटी छोटी बैठकों के अंदर मीटिंग करें और मीटिंग कर करके तय करें कि देश का नौजवान, देश का किसान परेशान है, देश का व्यापारी परेशान है। नौजवान को रोजगार नहीं मिल रहा है, जो रोजगार के अवसर थे वो तोड़ दिए गए। हमारे बच्चे अर्धसैनिक बलों में, मिलिट्री में, पुलिस में भर्ती हो जाते थे, वहाँ अग्निवीर योजनाएं ला करके उसे समाप्त कर दिया गया। 4 साल वो नौकरी करेगा और 4 साल के बाद वो ना खेती के लायक बचेगा, ना वो नौकरी के लायक बचेगा, वो खड़ा डंडा लेकर के कहीं चौकीदारी करेगा। ये हमारे देश के नौजवान का भविष्य है, ये सरकार करना चाहती है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज इस लड़ाई के अंदर, इस लोकतंत्र के महापर्व के ऊपर आप सब लोग मिल करके, साथियों, सहारनपुर लोकसभा सीट के अंदर जिस तरह से, चाहे वो राजपुर से लेकर फैजाबाद तक, ये सारे गांव आपके हैं जिसके अंदर आपकी पार्टी है, जिसके अंदर आप मजबूती के साथ मौजूद हो। सब साथियों से कहना चाहता हूं, जो जो मेरे साथी गांव के अंदर हैं, साथियों, अपने आप को हर आदमी इमरान समझ ले। हर आदमी ये समझ ले कि मैं इमरान हूँ और मैं इमरान बन करके काम करूँगा। और जब आप ये तय कर लोगे कि आप इमरान बन के काम करोगे, तो आपको चुनाव कोई हरा नहीं सकता है। साथियों, चुनाव के समीकरण बिल्कुल साफ है, चुनाव के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट इसी बात की है, वो बौखलाह इसी बात से रहे, अब तक बौखलाहट यही है कि किसी भी तरह से उन्हें लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। तो आज आप सब लोगों से हम रूबरू होते रहेंगे, हम बात करते रहेंगे, कोशिश करेंगे कि हम अपनी बात को इस माध्यम से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। आप सब लोग जो फेसबुक के ऊपर अभी लाइव हैं, वो सब लोग शेयर करें, उसके अलावा यूट्यूब पे या जहाँ भी, इन ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाने के लिए। और जो साथी नहीं है, उन सब साथियों से कहें कि फेसबुक पर आकर के कम इस लाइव को ज़रूर सुना करें, जिससे हम चुनाव की स्थिति बता सकें। देखिए, चुनाव आपका बहुत आगे है, लेकिन हमें बहुत
लंबी लड़ाई लड़नी है और बहुत मजबूत लड़ाई लड़नी है। अपने सारे कागज, वोटर पर्ची, सारी चीजें दुरुस्त करने की जिम्मेदारी आप अपने आप उठाने का काम करो। जब आप अपने सारे कागज तैयार करके रखोगे सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में, ये चुनाव चूंकि देश में जो माहौल बन रहा है आप देख रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को पूरा सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर कर रहा है हर पोलिंग बूथ के ऊपर। हम लोग भी कोशिश करेंगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई कि हर आदमी के पास मोबाइल है, आप कोई घटना होती है उसको रिकॉर्ड करके भेजिए। तो लड़ाई है, लंबी लड़ाई है, इस लड़ाई के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। हमें लाठी डंडे से नहीं लड़ना है, हमें जबान से नहीं लड़ना है, हमें अपने मन से लड़ना है, अपने दिल से लड़ना है। और ये लड़ाई जब दिल से लड़ोगे तो निश्चित रूप से इंशाल्लाह जीतने का काम करोगे। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, और जो साथी देख रहे हैं उन सब साथियों से कहना चाहता हूँ कि और लोगों को कहें कि फेसबुक पे जाकर के इस लाइव को जरूर सुने, और सब लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने की काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें। हमारी रीच कम कर दी गई, हमारे जो पहुँच थी, जो पहले वीडियो डलती थी वो मिलियंस में, लाखों में जाती थी, वो हज़ारों के अंदर आ रही है। ये सारी चीज़ें हमें कर, लेकिन जब आप जा करके खुद ढूंढ करके सर्च करके ढूंढ कर चलाओगे तो ये रोक नहीं पाएंगे। तो इसलिए साथियों आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि सब बच्चे जो खास तौर से मेरे नौजवान दोस्त देख रहे हैं, आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद।